अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे साथ भाई बैठे हुए हैं, अहमद रज़ा भाई पाकिस्तान से हैं, साइप्रस में हमारी इनके साथ मुलाकात हुई है भाई के साथ। तो भाई यहाँ पे कितनी देर से हैं, यहाँ पे जो पाकिस्तानी आ रहे हैं वो क्या काम कर सकते हैं, कितना कमा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम भाई से पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा भाई जान, पहले तो ये बताएं आप कितने अरसे से यहाँ पे साइप्रस में मुकीम हैं? मुझे तकरीबन भाई जान यहाँ पे 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने हो गए हैं? हाँ जी, ठीक होगा। अच्छा, तो इन 10 महीनों में आप क्या काम कर रहे हैं अभी करंटली? करंटली मैं ना टैल पत्थर वाले के साथ होता हूँ, कारीगर है। ठीक है, 2-3 महीने हो गए उसके साथ ही। सही है, अभी सीख रहा हूँ। तो अगर मैं पाकिस्तान सीख के आया होता तो इतनी मुश्किल नहीं देखनी पड़ती, लेकिन मजबूरी है अभी उसके साथ ना। ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान से आए हो, आप किस वीज़ा पे आए थे? आप टूरिस्ट पे आए थे या वर्क परमिट या स्टडी वीज़ा पे? मैं वर्क परमिट पे आया था। वर्क परमिट पे आप आए हो? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लोग आते हैं विजिट वीज़ा पे, बहुत कम आपने देखे हैं कि कोई आ रहा विजिट वीज़ा पे। मोस्टली लोग वर्क परमिट पे आते हैं, किसी एजेंट के थ्रू आते हैं। उनको लोगों को नहीं पता कि विजिट वीज़ा का भी कोई सिस्टम होता है, उस पर भी आते हैं। अच्छा, कोई विजिट वीज़ा पे आता है तो वो अपने वीज़े को चेंज करवा सकता है क्या? उसको यहाँ पे काम वगैरह मिल सकता है? हाँ बिल्कुल ईजी है, काफ़ी काम ऐसे हैं, होटल में काम मिल सकता है। मतलब पहले 6 महीने ही होते हैं उन लोगों के लिए, मतलब थोड़ी मुश्किल होती है वैसे वीज़ा चेंज करवाने के लिए। अगर वहाँ पे इस मुल्क में उसके कोई रेफरेंस वगैरह हो तो थोड़ा ईजी हो जाता है, तो अगर नहीं हो तो फिर काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं। अगर वो बंदा कारीगर है, रंग का कारीगर है, टैल पत्थर का कारीगर है, तो उसके लिए तो बहुत ईजी है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सही बात है। तो पे भी उसकी अच्छी होती है, सारे मामला उसके बहुत ईजी, और वीज़ा भी बहुत ईजी है उसका। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे काम कौन कौन से हैं, कौन कौन सा बंदा काम कर सकता है यहाँ पे आके? पाकिस्तानी काम करते हैं, किस चीज़ में बंदा आसानी से जा सकता है, जॉब कहाँ पे मिल सकती है? यहाँ पे अगर बंदे के पास वीज़ा होना तो होटल वगैरह में, मार्केट वगैरह में, ये वहाँ पे काम बहुत ईजी मिल जाता है। पेंट का बता रहे थे आप, उसके बाद वो मतलब कि जिसके पास वीज़ा नहीं है ना, हाँ वो, जी वो मतलब वो, अगर वो उस फील्ड में जाना चाहे ना तो वो कर सकता है। यानी कि आपको कहने का मतलब है जिस बंदे के पास कोई वीज़ा वगैरह लीगल स्टेटस है वो ये मार्केट में लग जाए, या फिर होटल वगैरह में लग जाए, डिलीवरी वगैरह में लग जाए, और जिनके पास वीज़ा नहीं है तो वो ये रंग के काम में चला जाए, या फिर ये मजदूरी के काम में, हेल्परी के काम में। टोटली 6 महीने मतलब उसमें लगा, 6 महीने इस तरीके से करना है, उसके बाद दोबारा फिर वो परमिट मिल जाएगा उसको। अगर वीज़ा उसके हाथ में आ गया ना, फिर उसको कोई टेंशन नहीं, उसकी अपनी मर्जी है, होटल में करे, यहाँ पे काम बहुत मिलते हैं। ठीक है, मिलता है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आप साथ ही दूसरा साइप्रस है, ग्रीस साइप्रस है। जी जी। आप ग्रीस साइप्रस नहीं गए, आपने प्रेफरेंस दी कि तुर्क साइप्रस में। अक्सर लोग ग्रीस साइप्रस भी चले जाते हैं, और आपने ही बताया जैसे लोग आते जाते भी हैं, वहाँ से भी इधर आके काम करते हैं, यहाँ से भी उधर जाके काम करते हैं, कुछ 6-6 महीने वहाँ पे काम कर रहे हैं, दोबारा 6 महीने इधर कर रहे हैं। तो तुर्क साइप्रस में क्या ज्यादा काम है एज कम्पेयर टू ग्रीस साइप्रस? क्या काम का मामला ऐसे है ना कि अगर कोई कारीगर है जिसको रंग का काम आता है, वहाँ पे उस मुल्क का हिसाब ही है कि अगर कोई कारीगर है ना उसको वहाँ पे काम मिल जाता है, लेबर जो है मतलब उसको नहीं काम वहाँ पे मिलता। तो वो जो लेबर है या फिर जिसको थोड़ा बहुत काम आता है वो ज्यादा कामयाब है तुर्क साइप्रस में? हाँ, वो कर सकता है, उसके लिए ईजी है यहाँ पे, उसका मसला नहीं है। अच्छा, और मिनिमम सैलरी कितनी है अगर यहाँ पे कोई बंदा काम करता है तो मिनिमम कितनी सैलरी कमा सकता है यहाँ पे? तकरीबन अक्सर उजरत जो अभी जो दे रहे हैं तकरीबन 11,800 रुपया दे रहे हैं। 11,800 लीरा? हाँ जी, उसको रेट जो सब कम भी होता है, कभी ज्यादा होता है। अभी मतलब कि 13 रुपये रेट है, सही है, कभी 12 हो जाता है, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लें जितनी बनती है। ठीक। सर यहाँ पे रिहायश वगैरह का सारे मामला जितने भी हैं निकाल के तकरीबन 1-1.25 लाख बना इजीली कार भेज सकते, यानी कि 1-1.25 लाख पाकिस्तानी इजीली आप भेज सकते हो सारे मामला करने के बाद। ठीक हो गया। अक्सर लोग कहते हैं, हम देखते भी हैं, कहते हैं कि रूमर फैला हुआ मार्केट में कि यार साइप्रस ठीक नहीं है, यहाँ पर जॉब नहीं मिलती, यहाँ पे बंदा कमाई नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो चीज़ें बताई हैं, जो मैंने पूछी हैं यहाँ पे, सब बंदे यही कह रहे हैं कि यार 11,000-12,000 लीरा आप इजीली बचा सकते हो, कमा सकते हो, 1-1.25 लाख इजीली घर भेज सकते हो।
अगर देखो ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मतलब कि लेबर तबका है ना, मेरे को जो टैल पत्थर वाला काम है या फिर कोई रंग वाला काम है, उनको उनके पास में राशन वगैरह नहीं होती और खान पीन भी नहीं होता। उन्होंने जारी बात है खर्चे खुद से करने होते हैं सारे, ठीक है। तो जो होटल वगैरह में कर रहे हैं या फिर कुछ मार्केटें ऐसी होती हैं, बड़ी मार्केटें हैं, वो राशन भी देती हैं। उसमें ये होता है कि सिर्फ आपने ना खान पीन का खर्चा करना होता है, गैस वगैरह आपने करना, ठीक है, और राशन का वो उन्होंने ही सारे मामला करना होता है, ठीक है। अगर वो 11,800 आपको देते हैं, सही है, तो आपका कितना खर्चा? तकरीबन अभी मैं यहाँ पे 2,000 मेरा खर्चा आता है टोटली, सही है। अच्छा, मेरी रिहायश भी अपनी है, खान पीन भी मेरा अपना, सही है। अगर आप खुद ही बताएं कि 11,800 में से 2,000 निकालें, सही है, तो पीछे 9,000 बचेगा ना, 9,000 को 12 के साथ तकसीम करें ना, ज़र्ब दे दें, ठीक है, तो आप खुद ही बता रहे 1,25,000 बहुत इजीली बच जाता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काफी अक्सरियत स्टूडेंट की भी देखी गई है? हाँ, स्टडी करने के लिए आते हैं और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पे स्टडी वीजा पे आते हैं और फिर वो काम चेंज, यानी कि यहाँ पे आना है उन्होंने स्टडी वीजा पे आना, लेकिन वो उनका काम ही करना है उन्होंने यहाँ पे मोस्टली, मतलब मकसद है उन्होंने यहाँ पे आना, सिर्फ इस मुल्क में एंटर होना और फिर आगे। आप क्या रिकमेंड करते हो कि इस कंट्री में आना चाहिए लोगों को या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए अगर जिस बंदे ने कमाना है ना, देखें अगर जिसने घर वालों के लिए सारी मेहनत, उसने मुश्किल देखनी है, बैठे बैठाए यहाँ पे कोई रोज़ नहीं देता, कोई रोटी नहीं देता, जो कोई पैसे नहीं देता, ये नहीं कहता कि भाई ये पैसे, सही है, और यहाँ पे मंगते भी नहीं है, मतलब कि कोई हाथ किसी के आगे हाथ करो, ठीक है, सब ने अगर कमाना, अगर आपका जहन है, अगर आपने कमाना है तो फिर आपने जनाब कोशिश भी करनी है और मेहनत भी करनी है और फिर घर वालों के लिए सारे मामला, सही है। तो आप रिकमेंड करते हो फिर लोग यहाँ पे आए और काम करें यहाँ पे? यहाँ पे, एक बेनिफिट सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 6 महीने बाद तकरीबन सैलरी बढ़ती है, हर हर 6 महीने बाद सैलरी बढ़ती है। मैं तकरीबन आया था आज से 10 महीने पहले, मेरी सैलरी थी तकरीबन उस वक्त अक्सर उजरत थी 8,600, ठीक है, अभी मुझे 6 महीने हुए तो अभी 11,800 हो गया, माशाल्लाह, और अभी 6 महीने और होंगे तकरीबन, आज दूसरा महीना अभी स्टार्ट होने वाला, सही है, तो फिर उस मतलब कि सारे 6 महीने बाद सैलरी बढ़ती है आपका, सही सही। और टूरिज्म का क्या हिसाब है यहाँ पे? काफी टूरिस्ट मैंने देखे हैं, क्या टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे बहुत सारे? हाँ, टूरिस्ट काफी आते हैं आगे पीछे, ये मुल्क दरअसल है ही टूरिस्ट के लिए, मैं इसमें अच्छा अच्छा देखा जाए अक्सर में ना, हमारे लोगों का रुझान नहीं, वो हमारे लोग ज्यादातर तुर्की जाते हैं, बाकू चले जाते हैं, आज़रबैजान चले जाते हैं, थाईलैंड वगैरह जाते हैं, साइप्रस नहीं आते, उनको पता नहीं है शायद, ऐसा ही है। तो अगर देखा जाए तो मैंने जो अभी तक देखा यार, अनबिलीवेबल ब्यूटी है यहाँ की, तो ऐसे ही है यहाँ पे, मैं तो देखे हैरान हो गए, फॉरेन गोरा बहुत ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट के हवाले से, मतलब टोटल माहौल जो है ना वो यूरोप वाला ही है, आपने देखा है सारा? मैंने देखा है, मैंने सारा देखा है। और पाकिस्तानी अक्सरियत कम्युनिटी है किस जगह पे? तकरीबन ज्यादा इसी शहर में ही है, गिरने में, गिरने एक सिटी है इनका, बड़ा खूबसूरत सिटी है, समंदर वाली साइड पे लगता है, समंदर के साथ लगता है, तो यहाँ पे आपको अक्सर पाकिस्तानी मिल जाएंगे जो काम भी कर रहे होंगे। बाकी रजा भाई ने हमें भी टाइम दिया, बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया, बिजी होते हैं भाई। और उसके अलावा यहाँ के टूरिज्म के हवाले से दोस्तों, मैं आगे चल के वीडियोस बनाऊंगा टूरिज्म के हवाले से, साइप्रस बहुत एक खूबसूरत कंट्री है, आना चाहिए। और पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं वो कितना कितना पैसा दे के आ रहे हैं, कुछ आइडिया है? हाँ जी, अभी तकरीबन 3-4 दोस्तों से मुलाकात हुई है, वो तकरीबन 11 लाख रुपया दे के आ रहे हैं, 11 लाख 12 लाख। मैंने एक यहाँ पे आके मजदूरी कर रहे हैं, यकीन करो उनकी हालत देखने वाले होते हैं कि बहुत मतलब बहुत मुश्किल। मैं एक लड़के से मिला, उसने मुझे बताया वो 7,000 यूरो देकर आया, 7,000 यूरो, ठीक है। अब 7,000 यूरो को अगर कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना पैसा बनता है, वो दे के वो साइप्रस में आया, ठीक है। तो साइप्रस के बारे में सर्च करें आप, चक्कर लगाएं, बड़ा खूबसूरत कंट्री है। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच। और कोई जो नया बंदा इधर आ रहा हो साइप्रस के अंदर, उसको कोई पैगाम देना चाहे तो दे दें कि कैसा है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और क्या उसको पैगाम है आपका? मेरा तो पैगाम यह है कि एजेंटों से जो उनसे वो मेहरबानी करके उनसे ना वो बचें, तो ये भाईजान है, ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं सही बात, तो ये आपको मुकम्मल लीगल तरीका भी बताएंगे कैसे आना। ये देखें, यकीन करो इन्होंने मुझे हैरान कर दिया कि इतने कम पैसों में यहाँ पे आए, और मुझे यकीन करो अभी भी नहीं यकीन हो रहा कि इतने कम पैसे में सिर्फ ये टिकट दे के आए, सिर्फ टिकट करा के यहाँ पे पहुँचना सही है। तो इनके पास तरीका बहुत माशाल्लाह इलीगल है, तो लीगल तरीके से आप यहाँ पे आप इनसे रब्ता करें और काफ़ी मतलब देना। और भाई की जहाँ तक बात रही, इंशाल्लाह कोई आएगा, इंशाल्लाह जितनी हेल्प हो सके भाई भी करेंगे, और इंशाल्लाह जरूर।
इंशाल्लाह भाई भी मिलेंगे लोगों से। यहाँ पर भी कोशिश होती है, अगर कोई भाई ऐसा जिसको काम नहीं होता, जिसके पास नहीं होता, कोशिश हमने तो कोशिश करनी होती है, करना तो रब नहीं होता ना, बेशक तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करते हैं कि जिस भाई के पास काम नहीं है उसको काम लगा के भाई थोड़ा सा हेल्प भी करते हैं लोगों की, जैसे कि जितना हो सके जितनी हो सके भाई कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच आपका। और मैं ये आपको दिखाता जाऊँ कितनी खूबसूरत जगह ये पार्क है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस टाइम, गिरने में, गिरने सिटी में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।